मुंबई हम लोग, हाँ बात यह कि मुंबई एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे हर प्रांत के आदमी रहते हैं, तो हर लोग जैसा अपने को काम चाहिए वैसा मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब एक गरीब आदमी रहता है वो भी भरपेट खाना कहीं मिल भी जाता है और बड़े का बड़े भी मिलता है। और दिल्ली क्या है, दिल्ली की जनता नहीं, लोगों को जो मुंबई एक बार आ जाता है दोबारा दिल्ली जाने का नहीं सोचता है, तो यहाँ पे हर परिस्थिति से आदमी गुजर जाता है। गांव में इतना मतलब काम नहीं रहता है, बेरोज़गारी ज़्यादा रहती है और घर वाले भी मतलब उस सिचुएशन नहीं रहता है कि हम लोग अच्छा खासा पढ़ा लिखे लिखा सकें और अच्छे खासे नौकरी पर हम लोग जा सकें। तो मजबूरी बन जाती है कि गाँव में 15-17 साल के होने के बाद तो फिर होता है कि नहीं अभी लड़का मतलब बाहर जाए और कमाए, घर का खर्चा चले, तो उस सिचुएशन में लोग कुछ लोग जो है कि मजबूरी से गांव से भाग करके आ जाते हैं, कुछ लोग मतलब अपने माँ बाप से राय से लेके आ जाते हैं, तो यहाँ आते हैं तो इधर उधर भटकते भी हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में आने के बाद काम ही मिल जाता है, जो गांव के भी रहते हैं रिश्तेदार भी लोग रहते हैं यहाँ पे, बट एक्सेप्ट नहीं करते उस टाइम पे। जब हम किसी कामयाबी पर पहुँचते हैं कुछ कमाने लगते हैं तो लोग भी पूछना भी चालू कर देते हैं, तो ऐसा होता है तो लोग अपना जैसे मन्नत मानते हैं कि मुंबा देवी या जीवदानी माँ हमें ऐसा ऐसा करो, हम आपके यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे, तो अभी उनकी कृपा होती है तो आप कहीं ना कहीं पे सटल हो जाते हैं, तो अपना छोटा मोटा काम करके अपना दर्शन करते करते हैं, इसके बाद तब फिर भाई लोग से मिलते रहते हैं चलते रहते हैं। मुंबई के लोग जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे में जाना चाहेंगे तो अच्छे मिल जाएंगे, बुरे में जाना चाहेंगे तो बुरे मिल जाएंगे, जिस कैटेगरी के आदमी को ढूंढेंगे जिसका साथ लेंगे उसको आपको वैसे मिल जाएगा। आप बिजनेसमैन को ढूंढेंगे तो बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, नौकरी वाले ढूंढेंगे तो नौकरी मिलेंगे, हमारा क्वालिफिकेशन जैसा रहेगा उस हिसाब से अपने को काम भी मिल जाता है। देखिए मैम दोस्तों मतलब जब हम उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं उस कामयाबी तक कमाने धमाने लगते हैं तब हमारे दोस्त बनते हैं। गाँव से बाहर आने बाद शुरू में तो दोस्त मिलते नहीं हैं, जब कमाने लगते हैं तो अपने आप दोस्त मिल जाते हैं, दोस्त बन भी जाते हैं।